स्वागत है वाणी दादा कि दुनिया के सबसे उच्च कोटि के नीच लोगों दुनिया के सबसे उच्च कोटि के नीच लोगों शराब पीते हो शर्म नहीं आती और फिर व्यंग देख के फिर इनके चरणों में दुनिया के सबसे उच्च कोटि के नीच लोगों शराब पीते हो शर्म नहीं आती अरे भूख का नशा क्या कम होता है आए हाय बाबा 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 बात समझिए मैं क्या बैंक कह रहा हूँ कि भूख का नशा क्या कम होता है जो शराब पी के मरते हो अपनी संस्कृति को बदनाम करते हो अरे मरना है तो भूख से मरो अपनी संस्कृति का नाम ऊंचा करो ये चरित्र को ऊंचा उठाने का दौर है और हम पिए तो हमारी बात और है हम पिए तो हमारी बात और है। एक बार इमरजेंसी का जमाना था गलती से मैंने अपनी कविता में लिख दिया कि सरकार चोर है। एक थानेदार ने मुझे फौरन अंदर कर दिया। बोले बेटा सरकार को चोर कहते हो? मैंने कहा भैया मैंने ये कहा कि पाकिस्तान की सरकार चोर है या हिंदुस्तान की सरकार चोर है। थानेदार बोले बेटा जैसे हम जानते नहीं कि सरकार कहाँ की चोर है। एक व्यंग और उसके बाद फिर एक नई हजर। ढंग से सुनिए मेरे प्यारे श्रोता हैं बहुत बुद्धिजीवी श्रोता हैं मेरे सामने बैठे हैं मैं अपने ढंग से इनको संतुष्ट करने के प्रयास करूंगा बूढ़ा आदमी हूं ये निभा लेंगे मेरे को उम्मीद है। अपने मध्य प्रदेश में चंबल एक इलाका है जहां डाकुओं की खेती होती और वहीं से मैंने एक व्यंग उठाया और आखिरी पंक्ति देखेगा मजा लेंगे आप कि चंबल के डाकुओं ने एक सरकारी बस लूटी मगर अभागों की किस्मत फूटी लूट का जब हिसाब मिलाया 5,000 से भी कम पाया। डाकुओं ने फौरन बस रुकवाई लूट की एक एक वस्तु धन्यवाद सहित यात्रियों को वापस लौटाई। एक रिटायर्ड थानेदार चकराया डाकुओं का हृदय परिवर्तन उसके समझ में नहीं आया। बोले बंधु आज ये उदारता कैसी? डाकू बोले उदारता की ऐसी की तैसी हमारे पल्ले का ठेंगा पड़ता 5,000 तो थाने में देना पड़ता। एक और व्यंग देखिए दोस्तों इस सभागार में अगर आप अपने हाथों को रोक सके तो रोक लेना मानिक वर्मा का चैलेंज है और आपने सुना होगा इस व्यंग को लेकिन फिर देखिए इसका मजा देखिए मेरे देश में इसके पहले एक व्यंग देखिए कि बेकारी से तंग आकर मैंने कंधे भिखारी के कटोरे से अठन्नी उठाई। बेकारी से तंग आकर मैंने कंधे भिखारी के कटोरे से अठन्नी उठाई और उससे पूछा कैसी तबीयत है बड़े भाई? भिखारी बोला अभी तक तो ठीक थी मगर अब पता चला अच्छे अच्छों का ईमान डिगने लगा है अठन्नी वापस रख दो मुझे फिर से दिखने लगा है। और इस व्यंग पे अपने हाथों को रोक सके तो रोक लेना दोस्तों मेरे देश में इन दोनों एक नई हवा चली। जब भी सत्ता पक्ष कोई प्रस्ताव रखता है विरोधी पक्ष उसके विरोध में बंद का आह्वान करता है कभी दिल्ली बंद कभी बम्बई बंद कभी उज्जैन बंद कभी भोपाल बंद। तो अब हरदा मेरा शहर है जहां से मैं आया हूँ वहां एक आदमी ने भारत बंद कैसे मनाया। दोस्तों मानिक वर्मा को भूल जाएंगे लेकिन ये व्यंग को कभी नहीं भूलेंगे ये मेरा दावा है। व्यंग सुनिए कि भारत बंद के दौरान एक व्यक्ति केवल चड्डी पहनकर सड़क पर आया। लोगों ने पूछा तो उसने कारण बताया कि अपना विरोध और समर्थन मिला जुला है। बंद समझो तो बंद और खुला समझो तो खुला है। बंद समझो तो खुला है। और एक व्यंग के बाद में फिर वो एक नई हंसा बात सुनिए। मैं कुमार गवाह है एक कुमार ले गए थे हमको अमेरिका एक बार पिछले साल इनके सौजन्य से
न्यूयॉर्क एक होटल है, न्यूयॉर्क में एक होटल है जहां हमको ठहराया गया। बात देखा दोस्तों, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा व्यंग आपके चरणों में दे रहा। तो हुआ ये, जिस होटल में हम ठहरे थे वहां एक खिड़की के पास में बैठा हुआ था। दुर्भाग्य से मेरा दुर्भाग्य देखे कि मैंने नीचे झांक के देखा तो एक अजीब दृश्य नजर आया कि 35 महिलाएं और 35 पुरुष निर्वसन होकर सड़कों पर दौड़ लगा रहे। क्या गिनती की आपने? क्योंकि वो 35वें आदमी आती थे। तो उस पुनीत पावन दृश्य को देखकर मैंने पास में बैठे हुए एक अमेरिकन से पूछा, भैया ये लोग पागल हुए हैं क्या? बोले नहीं भाई साहब, पागल नहीं हो गए हैं, हमारे देश की परंपरा है। जब भी हमारे देश का राष्ट्रपति कोई बात हमारी नहीं मानता तो हम इसी तरह से निर्वसन होकर दौड़ लगा। अब वेंग देखिए, स्वागत कि सभ्यता के इतिहास में एक नया मोड़, सभ्यता के इतिहास में एक नया मोड़, अमेरिका की बदनाम सड़कों पर महिला और पुरुषों की नंगी दौड़। अखबार खोले, एक वस्त्र विक्रेता बोले, भाई साहब ये भौतिकवाद के भूत तो गजब ढा रहे हैं, ये दौड़ते हुए हिंदुस्तान कब आ रहे हैं? ये भौतिकवाद के भूत तो गजब ढा रहे हैं, ये दौड़ते हुए हिंदुस्तान कब आ रहे हैं? हम उन्हें कपड़ों का महत्व समझाएंगे, जो यहां नहीं खपे उनको अमेरिका में खपाएंगे। पर दोस्तों व्यंग अगर लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। हम उन्हें कपड़ों का महत्व समझाएंगे, जो यहां नहीं खपे उनको अमेरिका में खपाएंगे। मैंने कहा यार मान जाओ, अपनी संस्कृति बेच कर पछताओगे, जिनकी आत्मा नंगी है उनको क्या कपड़े पहनाओगे? आत्मा नंगी है। वाह वाह वाह।